गाना देने के जी उसी में रख लो खाली जी आइए ले जाओ सर जितनी आगे आगे चलो आगे आगे चलते हैं लास्ट पे नहीं बांधी हो बांधो आप साथ में हो ना साथ में की तरफ से मैं सेवनजाट की तरफ से आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो हमारे को यहां पर आके हमारी कलाई के ऊपर सभी ने हमारी राखी बांधी है और जो हमारी कलाई अभी तक यहां पर राखी नहीं बांधी थी तो अभी हमारी कलाई पर राखी बांधी गई है। मैं दोबारा से सभी सीमा जन कल्याण समिति जम्मू एंड कश्मीर का हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ।
ये बहुत ही बढ़िया और हमारे के लिए बहुत ही एक गौरव की बात है। जो हमारी बहनें गांव से आके हमारे को, हमारे जो सिस्टर हैं जो गांव से नहीं पहुंच सकती, तो ये सिस्टर हमारे पास पहुँच कर और यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन हमारी राखी बांधी है। तो बहुत ही बड़ा हमारे लिए गौरव है कि हमारी कलाई के ऊपर रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी गई। इनको फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राजवी शर्मा, मैं जलाश से हूँ। हम लोग सीमा जन कल्याण समिति की तरफ से हैं। हम यहाँ पर बॉर्डर की सरहद पर आए हैं अपने फौजी भाइयों को राखी बांधने के लिए। हमने उनको आज रक्षा सूत्र बांधा है। वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे फौजी भाई 24/7 हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ बॉर्डर्स पर खड़े रह के वो ना ही घर जा पाते हैं फेस्टिवल्स पे, और ना ही वो रक्षाबंधन पे घर जा पाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। सो हमने उनको यहाँ पे आके राखी बांधी ताकि उनको अपने घर वालों की याद ना आए, उनको अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। और हम सब आपसे आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारा सहयोग देंगे और हमारे इस जो हमने ये स्टेप लिया है कि हम यहाँ पे आके हर साल रक्षाबंधन पे इन सब फौजी भाइयों को राखी बांधते हैं। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इनको अपने घर वालों की याद ना आए। जैसे कि इनकी बहनें इनको पूरे रीति रिवाज से राखी बांधते हैं, हम लोग भी सेम वैसे ही करते हैं। मेरा नाम वंशी कावाली है। आज हम सीमा जन कल्याण समिति की ओर से यहाँ अपने फौजी भाइयों को राखी बांधने आए हैं और वो अपने घरों से दूर हैं, इस त्यौहार पे अपने बहनों से दूर हैं। आज हमने राखी बांधने आए, हमारे फौजी भाई भी बहुत खुश हैं और हमें भी बहुत खुशी हुई।